और इंशाअल्लाह अजीज हम तुहाडे सामने साढ़े अजीज महबूब खतीब हजरत मौलाना प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजे साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अपने बयान का आगाज फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم। رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات سیرت امام الہدیٰ کانفرنس کے اسٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں। کانفرنس کا عنوان تین لفظوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میرے اور آپ کے لیے جب پیدا ہوتے ہیں تو بالکل نئی ہوتی ہے۔ اس کے رنگ، اس کے رشتے، اس کی راہیں ہمیں پوچھ پوچھ کے پتہ چلتی ہیں۔ جانا کدھر ہے، منزل کون سی ہے، اگر کوئی رہنما اچھا مل جائے تو منزل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ والدین اچھے مل جائیں تو بچپن، جوانی اور بڑھاپا میرا رب پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ آپ اور میں اس سیارے کے لوگ نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں اور ہم سب کو ادھر ہی واپس جانا ہے۔ ہمارا ہر قدم، ہر منٹ، ہر پل ہمیں ہمارے روٹ پہ قبرستان کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ وہاں سے جیسے اس دنیا میں آئے ہیں ویسے ہی ڈال دیا جانا ہے۔ پیدا ہوتے ہوئے فطرتی طریقے سے سب سے پہلے دنیا میں بچے کا سر آتا ہے۔ فرمایا جب قبر میں اتارو تو قبر کے پاؤں والی سائڈ سے میت کا سر پہلے بھیجو اور پھر اس جہان سے ہوتے ہوئے ہم نے اس پلینٹ پہ، اس سیارے پہ، اس جگہ پہ واپس لوٹ جانا ہے جہاں سے ہمیں اتارا گیا تھا۔ اگر رہنمائی کی رہنمائی میں چلے اور انہیں اپنا امام مان کے زندگی کو سنوار کے چلے تو انشاءاللہ جنت ہے۔ اگر اس ہدایت سے پھسل گئے یا پھسلا دیے گئے یا کسی نے دھوکہ دے دیا، اصل چھوڑ کے نقل ہاتھ میں تھما دی، تو دنیا میں اگر ایک پلاٹ کے کاغذات جعلی ہوں تو رولا پھڈا بن جاتا ہے۔ اگر منزل پہ لے جانے والا رہنما، ایجنٹ کوئی دو نمبری کر جائے
तो दुनिया के मुल्कों का सफर मुश्किल हो जाता है। ये तो मालूम नहीं कितने जजीरे, कितनी कहकशाएं, कितने जहानों को क्रॉस करके पहुंचना है। तो कॉन्फ्रेंस दावत देती है कि हिदायत भी समझो और हिदायत का इमाम भी समझो। और ये मुमकिन कैसे है कि जब आप उनकी सीरत को पढ़ेंगे कि महबूब की अदाएं क्या थी, जीने का तरीका क्या था, तो मेरे महबूब को अल्लाह ने खुद कहा कि अपनी कौम से कह दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिदायत इस चीज का नाम है कि मेरा क्याम, मेरे रुकू, मेरे सुजूद, मेरे तशहुद, ये नमाज वही बंदा पढ़ सकता है जिसे कल की सोच और फिक्र होती है। वगरना ठंडी रातों में सुबह उठ के ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह के घर में आना आसान नहीं है। हिदायत यही है कि तुम्हारी हर अदा, हर हालत सिर्फ अल्लाह के लिए। हम भी खड़े होते हैं, दुनिया भी खड़ी होती है। दो खड़े होने वालों में फर्क यह है कि रब के सामने रब के लिए मुखलिस होके खड़ा होना, या बंदू की वजह से बंदू के सामने बंदू की दाद लेने के लिए खड़े होने में बड़ा फर्क है। एक ही घर है अल्लाह का, दोनों ही आए हैं, दोनों ने वुजू किया है, एक रब को मनाने आया है और दूसरा जूते चुराने आया है। जाहिर में दोनों में कोई फर्क नहीं, दिल मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता। नीयत के ऊपर और अमल पे फैसला होना है, और नीयत और अमल को ही सीरत कहते हैं। पैगंबर की सीरत में कयाम भी है, रुकू भी हैं, सुजूद भी हैं, तशहुद भी हैं, नमाज भी है, ज़कात, जिहाद, सदकात भी हैं, कुर्बानियां भी हैं। जिंदगी का एक एक पल बंदगी में है, मौत के लम्हात में और सकरात में भी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की तौहीद है। ये मेरे पैगंबर की सीरत। भाइयों, मेरी और आपकी मुलाकात का आज का ये उन्वान, मैं इसको एक नाम देना चाहता हूं, खुद एहतसाबी। अपना एहतसाब करना यह बड़ा अहम और फिक्री अमल है, हर बंदा नहीं कर सकता। दुनिया में दो बड़े मसले हैं खुद एहतसाबी के रास्ते में रुकावट। पहली यह सोच कि मैं ठीक हूं, सारी दुनिया गलत है, और दूसरा कि मेरे से गलती नहीं हो सकती, मेरे गलत को भी सही माना जाए। तो पहले बुनियाद में इन दो चीजों को जो गलत जुड़ गए हैं, हड्डी गलत जुड़ जाए ना टूटने के बाद, तो अच्छा पहलवान, अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जो हाथ से, लमस से, तजर्बे से, या कम से कम एक्सरे से ये जान सके, और जानने के बाद हिम्मत रखे के बताए कि बेटा हड्डी गलत जुड़ गई है। जिसकी टूटी है उसे तो दर्द है, पता है। सारी दुनिया सही चल रही हो, ये लंगड़ा के चले सिर्फ इसलिए कि हड्डी बराबर नहीं जुड़ी, और ये कहे कि कोई बात नहीं, लंगड़ा के चल लेंगे। तो ऐसे बंदे को मैं अपने मौजू में नहीं रख रहा। हमारे आज के मौजू में, गुफ्तगू में वो भाई शामिल है कि जिसे दर्द भी हो, एहसास भी हो कि हड्डी टूटी है, ये एहसास भी हो कि गलत जुड़ गई है, तो ये बंदा खुद को पहलवान के सामने पेश करेगा जो इसकी हड्डी कच्ची करेगा, और हड्डी कच्ची करना आसान नहीं है। फिर कच्ची करने के बाद उसे तोड़ना तकलीफ दे अमल है, तोड़ के फिर बराबर जगह पर रख के जोड़ना, यह हर बंदा नहीं करवा सकता। लोग भाग जाते हैं,
भाइयों दुनिया में जब हम आए हैं तो हमें जहां जुड़ना था वहां से टूट गए। रहमान के साथ जुड़ना था, शैतान ने जाल बिछा रखे थे, दावत उसकी आम थी, चैलेंज लगा हुआ था कि अल्लाह मैं तेरे बंदू को सामने आके रोकूंगा। बाजार में जब हम जाते हैं, कई दफा आपने नोट किया होगा, बाजी बच्चों के लिए सिर्फ कोई छोटी मोटी चीज लेने गई है खाने की, और दुकानों के सामने लोग खड़े हैं, आवाजें दे रहे हैं, बाजी आ जाओ कपड़ा देख लो, बाजी आ जाए ये देख ले। तो कई दफा होता है कि बाजी भूल जाती है कि घर में बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ लेने आई हूं। दुनिया की चकाचौंध में, दुकानों के हुस्न जमाल में, बाजार की उस भरपूर रौनक में और बड़ी प्यार और मोहब्बत में मबनी आवाजें, उनको सुन के वो बच्चों का जो दूध लेने आई थी ये इधर उधर की चीजें लेके चली जाए, तो समझ लीजिए कि वो अपने असल हदफ को, टारगेट को भूल गई है। हम क्या लेने आए थे? सिर्फ बंदगी। वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियबुदून, ये आयत आपने अहले इलम से किताबुल्लाह के अंदर से सुन रखी है। मेरे आने का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ बंदगी। लियबुदून का माना नमाज, रोजा, हज, जकात नहीं है। लियबुदून, मुझे एहसास मिले कि मेरी मां है, मेरा बाप है, एहसास हो कि उन दोनों ने मेरी बचपन से खिदमतें की हैं, हाथ पांव चूमे हैं, मुझे ये बदला लौटाना है। हल जजा उल एहसान इल्ल एहसान, नेकी का बदला तो नेकी होती है, मैं क्या करने आया हूं? हम यहां आके भूल गए। तो आज की मुलाकात इंशाल्लाह जुड़ी हुई, टूटी हुई गलत हड्डी, गलत मुकाम पे जो जुड़ी है, मैं निशानदेही भी करूंगा कि टूटी कहां से है, दर्द का इदराक भी इंशाल्लाह करवाऊंगा, और फिर गलत जुड़ गई है आपको खुद महसूस होगा, अब इसे कच्चा करके तोड़ के सही जगह पे लाना है। अगर ये जज्बा आज मैं पैदा कर गया और सोच और फिक्र, तो इंशाल्लाह बच्चे भी बदलेंगे, जवान की जवानी भी चेंज होगी, बुजुर्गों की बुजुर्गी के अंदर भी इंशाल्लाह ठहराव आएगा, खुद एहतसाबी। आइए सबसे पहली चीज जो रहमान से हटके शैतान ने अल्लाह से दूर करके हमें वहां लगा दिया है, वहां लगा दिया है, वो यही है। भाइयों किसी भी कंपनी के मोबाइल का चार्जर हटा के कोई और लगा दें तो चार्जिंग नहीं कर रहा होता। अगर आपको रहमान से हटके इंसान इस मुआशरे में हजारों साल भी जीले और नबी का बेटा भी हो, तूफानों से नहीं बच सकता भले पहाड़ों पे क्यों नहीं चढ़ जाए, इज्जत नहीं मिल सकती भले औरत नबी के बिस्तर पे क्यों नहीं लेट जाए। नूह अलैहि सलाम की और लूत अलैहि सलाम की बीवी की मिसाल सामने, बेटे की मिसाल सामने, इब्राहिम अलैहि सलाम के बाप की मिसाल सामने, इज्जत किस में है कि आप चेक करें कि मैं रहमान से जुड़ा हुआ हूं कि नहीं। जो बंदा रहमान से जुड़ा हुआ है उसे इतना एहसास होना चाहिए कि रब ने मुझे फरिश्ता नहीं बनाया, मैं इंसान हूं और इंसान खता का पुतला है, मेरे अंदर गलती का इम्कान है। सुभान अल्लाह कहनी बड़ी सौखी है। अपने आप नूं एक दफा ये कहना कि मैं गलत हाँ, तो सब दे सामने कहना कि प्रोफेसर एक गल मन कि तू फरिश्ता नहीं, तेरे अंदर भी सैकड़ों गलतियां ने, लिहाजा अपनी गलती नो इंसान होने के नाते मन,
ते जिथे गलत होवे बच्चा भी निशानदेही करे ते मन। एक बात नोट कर लें, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गलती को मानने वाला वही होता है जो मुसल्ले पे इमाम होता है। सीरत इमामुल हुदा, कुरान मजीद पढ़ रहा है, 60 साल तजर्बा है, मुसल्ले पे मुसल्ला सुनाया है, लफ्ज की गलती लग गई है और पीछे से 10 साल का बच्चा लुकमा देता है कि हजरत आपको मुशाफा लग गया है, गलती लग गई है, आप यकीन करें ये 60 साल का पढ़ा लिखा आलम बुजुर्ग 10 साल के हाफिज बच्चे की उस आवाज पे रुक जाता है, गलती मानता है, रुजू करता है। पीछे सैकड़ों लोग हैं, किसी का लिहाज नहीं, डर सिर्फ अल्लाह का। फिर जाकर के ये आयत रिपीट करता है और जहां से गलती लगी थी वहां जाके फिर सही जगह पे जुड़ता है। तरावियों में देखा नहीं, नमाज में महसूस नहीं किया। हजरात, लोगों से मत डरें कि लोग क्या कहेंगे कि हाफिज जी नू 60 साल च कुरान याद नहीं होया। इंसान है, भूल जाता है। मैं मिसाल देना चाहता हूं, रमजान का अलविदाई जुमा है, आम मस्जिदों में भी रश 4 हिस्से ज्यादा हो जाता है, बाजार सारे पैक है, ता हद्दे नजर जब में गफीर है। अलविदाई जुमे में जज्बात और एहसासात पूरे जौबन पे हैं, खुतबा भी हो गया है, नमाज पढ़ा करके दूसरी रकत शुरू है, जारी है। अचानक जहन में यह बात आई कि प्रोफेसर तूने जब जुराबें पहनी थी तो तेरा वुजू नहीं था, फिर तूने जब जुमे के लिए वुजू किया है तो जुराबों पे मसा करके आया है। एक तरफ ये सोच थी कि इतने लोग हैं क्या कहेंगे, जमात में जब आप जमात छोड़ के किसी को आगे करके जाएंगे पहला जेन ये बनेगा कि मौलवी का वुजू सलामत नहीं रहा। तो मेरे भाई इंसान है, वुजू टूट जाता है, हम कमजोर हैं। वुजू तोड़ के रब ने बताया कि यहीं पे जुड़ा रहेगा तो गलत है, आ अपनी सोच को कच्चा कर। शैतान कहेगा लोकी की कहणगे, लेकिन गल लोकां दी नहीं, लोकां दे रब दी है। जेड़ा दिलां दे राज जानदा ते जेड़ी तेरी छोटी छोटी मामूली जी लीकेज नूं भी जानदा, आवाज आए या ना आए, वुजू टूट गया है या तिड़क गया है, रब ते जानदा ना। अब हजारों लोग मुझे कुछ नहीं देंगे, जुरत पैदा कीजिए, खुद एहतसाबी की हालत नमाज है, अलविदाई जुमा है, हजारों लोग हैं, अंदर कश्मकश जारी है। फौरी फैसला लिया, मुसल्ला छोड़ दे, मुसल्ला छोड़ दे, मुसल्ला छोड़ा, पीछे से आदमी को आगे किया मुसल्ले पे, सफों में से निकला, जाकर के वुजू करा, वुजू करके वापस आके जमात के साथ मिला, तो मेरे भाइयों मेरी कोई शान में फर्क नहीं आ गया, जिंदा हूं। साल हा साल बीत गए, आज 20 साल हो चुके इस वाके को, इससे कोई कद छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए तू काम कर रहा है अगर उसके लिए कुछ करेगा या कुछ छोड़ेगा, भरी मजलस में मुसल्ला छोड़ना बड़ा मुश्किल, लेकिन आगाज अपने से करते हैं तो दूसरों से उम्मीद भी रखते हैं। मैंने इसलिए पहले उलमा की मिसाल दी है, जैसे पाकिस्तान आपको हमेशा गंदा करके दिखाया गया है, हालांकि यहां बहुत खूबियां हैं। मैंने इस वतन जैसे हुसन और जमाल, रवैये और किरदार बहुत कम देखे हैं, मगर मनफी दिखाया गया। ऐसे ही उलमा का चेहरा भी मनफी मनफी दिखाया जाता है, लतीफों में, कहानियों में।
इन उलमा की मैं सिर्फ एक रात का बदला नहीं दे सकता। जब दुनिया, हम बचपन में एक शेर पढ़ा करते थे, अब वो शेर पूरी तरह तो याद नहीं है, अल्लाह करे आ जाए और आपको भी एहसास हो थोड़ा सा। जब अंधेरी रात होती है, जब अंधेरी रात होती है तो दुनिया मस्त सोती है, और यही हालत है पूरी दुनिया की। मेरी गमगीन आंखों में तेरी तस्वीर होती है, शायर ने महबूब के लिए कहा था, लेकिन मैंने उलमा को देखा। पूरी पूरी रात, जहां दिन को गुजरते हुए पित्ता पानी होता है, वहां रातों से गुजरते हैं। और किसके लिए? आप समझते नोटों के लिए? नोट मेरे शहर में बड़े हैं, मैं कोई जॉब कर लूं उसमें बड़े हैं, लेकिन असल टारगेट क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सब रब के लिए है, लेकिन मुझसे गलती हो सकती है। जब तक मैं अपने आप को ये कच्चा नहीं ना करूंगा, तब तक बात शुरू ही नहीं होनी। ये सीरत कॉन्फ्रेंस होती रहेगी, जलसे होते रहेंगे, बल्ले बल्ले भी होगी, रश भी बड़ा होगा, खतीब पे खतीब भी माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा चेक करवा दूंगा आज इंशाल्लाह, चावल कच्चे होने तो देख च बंदा एक चावल कढ़ के कणी चेक कर लेंदा भी कितनी कणी। माशाल्लाह भरी मजलिस में बैठे हैं, सारी जिंदगी आपने सीरतें सुनी है। मैं एक हदीस, मेरे महबूब के पास एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसनी, मुझे कोई नसीहत कर दे। मुझसे कबल मेरे भाई आपको और मुझे तीन बड़ी नसीहतें कर गए। उन तीन नसीहतों में इत्तेबा भी, तिलावत कुरान भी, और अल्लाह के जिक्र अज़कार। भाइयों, सीरत सुनते हुए उम्र गुजर गई, अमल कितना हुआ, गलती कितनी मानी। पहले मिसाल ले लें, सहाबी हैं, गुसीले थे, चेहरे पे तेवर थे, जिमें मैं हूं मजलस च वेखंडिया कई मेरे वीरे इवें बैठे ने कि जिमें मैं पता नहीं उन्हों का उधार देना है तो घूरण डैन। ये तो हो सकता है कि इलाका वालों ने हमारा उधार देना हो। आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई सबक पढ़ा दे। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। इमामुल हुदा ने उसे एक सबक पढ़ाया, ला तगज़ब, रेस ना हो जाया कर। समझते हो रेस होना? जो तुसी नहीं समझते किन्ने समझना? गुस्सा ना करया कर। तीन दफा इससे आपी ने रसूल सल्लम को कहा, अल्लाह के रसूल सल्लम ये मैं नहीं करूंगा, मुझे कोई थोड़ा सा और भी। आपने कहा नहीं, आज ये नहीं। इस सहाबी के हालात जिंदगी में लिखा है, पूरी जिंदगी फिर इसके चेहरे पे गुस्सा नहीं देखा गया और इसने कभी गुस्सा नहीं किया। सीरत असर रखती है यार। तेल लाइए तो वाल चोपड़े ना जान, लोशन लाइए तो खुश्की ना हटे, की ख्याल है? धागा भी चूड़ी ते पूरा वलिए ते नट भी पूरा कसीए ते लीकेज फिर ना मुके ते फायदा की है? एग्जास्ट लाया होवे ते हबस ना मुके, लाइटां लगियां होण ते रोशनी ना होवे, फायदा की है? लो हुण ही समझ आ जाती है, भरी मसीत च एक बंदा चाहिए है। कैमरे वाले जरा एक्टिव हो जाओ, जेड़ा बंदा हाथ चुके उदी तस्वीर जरा स्पेशली जी बनाया जाए, जेड़ा ये कहे कि मैं जिंदगी कभी गुस्सा नहीं किया। हदीसा तो बहुत सुनी है ना, पहले स्टेज वाल जरा भाजी शर्माओ नहीं, हाथ चुको अज जिन्हें कभी गुस्सा नहीं किया। कोई एक जना चाहिए तो तस्वीर भी वह बनावे जिन्हें कभी गुस्सा ना किया हो, बाकी बह जाए।
कोई जवाना चो एक बंदा जवान जिन्हें पूरे कबड्डी खेडण वाला जिन्हें सारी दुनिया नूं डेगिया होवे कदी अपने गुस्से नूं भी डेगिया होवे कोई बाबियां चो एक बाबा नहीं टकरिया ना हुण जरा तवज्जो करिया जे जिहड़ी गल मैं समझाना चाहना अज की कानफ्रेंस सुनन तो बाद भी जे इदां ही हालात रहे तो पहले उलमा भी मगरब तो लैके हुण तक गला फाड़ दे गए ने गला मैं भी फाड़ के टुर जाऊं। दूसरी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औसे नहीं मैनू कोई दरस ही दे छड़ो मैं दुनियादार जिहा बंदा आप ना चेहरे पढ़ के सबक पढ़ाते थे साढ़े आंगू नहीं जेड़ा मौजू दिता या जेड़ा याद करके आया बस वह टुर पैना तो जब तक मेरा सबक याद किया पूरा नहीं होना मैं चुप नहीं करना नहीं इमामुल हुदा इमामुल अंबिया वही उतरती है चल के आया है गड्डी भरी हो तो रोड से खड़ी करके कोई बंदा आवे रख बौली आ लियो एक काम तो करो यार ते बस वाले इंतजार करनगे उतर के किसी होर च बह जाएंगे ये पूरा इज्जड़ छड़ के आया सी ते जन्नत जाण लई हिदायत लई मेरे महबूब ने कहा ला तसुबन्ना हदा मेरे सहाबी इन्ना क सबक की किसी नूं गाल नहीं कढ़नी किसी नूं गाल नहीं कढ़नी। ये सहाबी चले गए उलमा बैठे हैं पूछिए इनके हालात जिंदगी में ये जुमला दर्ज है इन्होंने खुद कहा है कहते हैं जब से मैंने मुस्तफा की सीरत सुनी जुबान से यह हिदायत का जुमला सुना ये वसीयत और नसीहत सुनी गाली नहीं देनी वल्लाही मा सबब तू अहदा मैं किसी भी इंसान नु गाल नहीं कढ़ी इंसान तो बड़ी दूर मैं किसी डंगर ढोर ते उठ बकरी नु भी गाल नहीं कढ़ी। लो भाई एक बंदा चाहिदा जने दा पुत्तर जड़ा होवे जड़ा कवे कि मैं वाकई कदी गाल नहीं कढ़ी मेरे अल बेशक मुंह ना करो अपने गिरेबान च मैं भी झाती पावां ते तुसी भी पाओ इन्ने कि सीरत दा असर जे साडे ते वगरना जलसे सुणदे आ ते माशाल्लाह मैं बड़ा हैरान आया कहिंदे जी मौलवी हो तुसी रोज़ कहिंदे हो जी नहाया करो कम अज कम जुमे वाले दिन नहाया करो की करिए उधरों तुसी बाबे दे शेर भी सुणाउंदे हो कि फुल्लां दा तू अतर बना फुल्लां दा तू अतर बना ते अतरां दा फिर कढ दरिया ते दरिया विच फिर रज के नहा ते मच्छी वांगू तारियां ला फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी पहले अपनी मैं मुका मैं वेख्या है कि पूरी जिंदगी मच्छी पानी च तारियां भी लाउंदी है ते नहाउंदी भी ओहदी बो नहीं मुकी साडी कितों मुकनी जिहड़े हफ्ते महीने बाद नहाउंदे आ सारी जिंदगी कलमे में कुरान में नमाज में रोजे में हज में जकात में सदकात में जलसों में बयानात में खिताबात में मौलवी साहब की डायरी पढ़ के वेखो तो कोई रात खाली नहीं डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल इंतजार च बैठे ने शेखूपुरे वाले इतों जान छुटे तो साढ़े को आ जाए मगर अमल की हालत यह है कि मैं दो सदियां दे तीन अशरे पिछली दे तीन अशरे एदे मगर एक भी बंदा नहीं लभ्या जिहड़ा ये कह सके कि सीने ते हथ मार के ते हिक ठोक के कवे कि मैं गाल नहीं कढ़ी। चलो ये जरा औखा काम है तीजी मिसाल लई मेरे महबूब अलैहि सलातो वस्सलाम ने कहा सानू किते भी कोई बंदा मिले ना असी कहीदा आप साहब ये पढ़ के ने गवा छड़िया है रईसुल मुनाफिकीन जुमला आम है हर बंदा दूजे नूं कहण डिया हुंदा ए जिहड़ा आउण डिया ही ना इहने बस ना सुन्नत रखी है बाकी गल कोई नहीं
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ لڑے اور گالی دے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور بولے تو جھوٹ بولے, پکا منافق ہے. کی جے پری مجلس چ ایک بندہ چاہیے جنے کا پتر جڑا اٹھ کے کہے کہ میں وعدہ کیتا ہے تو کدی وعدہ خلافی اج تک کیتی نہیں. بڑا سوکھا جہا کام ہے, کہہ دو ایک تو چاہیے. پر یہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو اینا کتے سچ بولن ڈے ہو کہ مسیتے بیٹھے. پا جی تصویر بنا لو, میں نیتاں تے شک نہیں کرتا لیکن میں تمہیں بندہ لب کے داں گا کہ خود اسے مجلس چ آن کے کہن گے کہ ہوئی ہے وعدہ خلاف. ٹھیک ہے, شادی ہوئی جی, جیڑا بندہ کہے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے وعدہ ہے, یہ گواہی دینی ہوں بڈھی نے بھی انہیں قبول ہے کہن تو بعد کنے ایک وعدے وفا کیتے. ویسے ممی کہہ سکتا سی میں کدی وعدہ خلافی نہیں کیتی کیونکہ میں پہلے نہ لکھیا ہوں انشاءاللہ جی رب نے چاہیا تو پہنچا گا, خلوص نیت نال وعدہ دے دا, لیکن کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن میں ماننا کہ سارے کو وعدہ خلافی ہوئی, بولے تو جھوٹ بولے, ایک بندہ جنہیں جھوٹ نہ بولیا ہو. کیوں بھا جی جنہیں جھوٹ, اے ساری اصل حالت جے تو جیڑا بندہ پہلے اپنے آپ نو ویخ لوے نہ چیک کر لوے, انہوں کہیں دینے خود احتسابی دا پہلا درجہ کہ مان لینا کہ میرے چ غلطی ہے, اللہ تیرے بندو نے بیٹھ کے غلطی مانی ہے, نظریں جھکائی ہیں, جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے, حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے. تے اگے ٹوریے بہت ہو گئی اپنی کہ ہوں آپ کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیث ہے کہ جہد چ تین چیزاں ہون پکا منافق ہے, تے اپنے اپنے گرے بان چ کہہ کے اپنا نام لے کے کہہ سکتے ہو پروفیسر توں بڑا منافق ہے. کہو ذرا دوجیاں نو کہنا بڑا سوکھا, جھوٹیاں دا امام کہنا بڑا سوکھا, لیکن حقیقت یہ ہے. آؤ ایک اور, بڑے بڑے عبادت گزار تہجد گزار نمازی پرہیزگار متقی, بابا جی کہیں دے نے تسبیح پھری تو دل نہ پھرے. میں ادھر آنا ہے, ایک نبینا سے ابھی دا واقعہ سنیا ہے کہ مسیتے آئے کہن لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر دور ہے, میں بندہ نبینا وا, لیا والا کوئی نہیں, رستے بھی پتہ ہے تمہوں, مدینے دے پچھو اللہ معاف کرے کالے رنگ دے, میں مدینہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں فجر پڑھ کے جب واپس آیا تو بچھو دیکھا مین راستے میں دوسری منزل پہ, پہلی تے بھی نہیں دوجی تے, جڈی میری تلی ہے نا ایڈا وہدا وہ حصہ سی جتھے زہر ہوندی ہے, باقی دا حساب لا لو. محبوب نے کہا کہ حکم, کہندا جی اینی کی اجازت دے دو کہ میں نماز گھر پڑھ لیا کراں. آپ نے کیا ٹھیک ہے, کڈی خوشی ہوئی, واپس ٹر گیا. جب دروازے پہ گیا تو محبوب نے کہا ذرا واپس آنا, ابن ام مکتوم آئے تو کہا محبوب جی, کہا اتسمع النداء, اذان سنتا ہے؟ کہا جی. کہا فلا اذن, میرا فتویٰ واپس, پھر تینوں مسیتے آنا ہی پینا جے تیرے کنی اذان پیندی ہے. پا جی سویرے پتہ کریا جی, میں ویسے اوپر دے سپیکراں دا قائل نہیں, میں ساتھیاں نو کیا سی بند کر دیا جی کوئی بندہ پریشان کوئی سون والا دیگر مسئلے جنہاں نے سننا آئے نے, تے بے نیاز لوکاں نو گلاں نہیں سنائی دیاں. فرنٹ تے بہ کے نا جی ایتھے آؤ تے ذرا میرے ال ویکھو, کیمرے انہاں تے لا دو سارے جی, ہن سجے کھبے ہلنا نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا اذن, اس صحابی کی زندگی میں لکھا ہے کہ نبی نہ ہو کے بھی پھر پوری زندگی اس بندے نے کوئی نماز گھر میں نہیں پڑھی. بھاجی میں نکلا تھی جی, کوئی ایک بندہ جن نے واقعی زندگی چ کوئی نماز گھر نہ پڑھی ہو میرے سمے نہیں لبن ڈیا نا.
इन्नी क जे साडी रियालिटी, लेकिन हुण भी अगर मन जाइए ना तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। एहतिसाब करें, बुनियादी सबब यह है कि हमारी तीन चीज़ें ख़राब हैं। जब तक ये तीन सही नहीं करने, पूरी गड्डी बेहतरीन लशपश बत्तियां हर चीज लगवा लो, बटन नपो ते लाइट ना चले, ते मतलब की है कि पीछे बैटरी नहीं है। सियाना बंदा की कहेगा जी बैटरी पवा लो, घर पूरे च लाइटा होन, ते फ्रिज भी होवे, समान भी होवे, बटन नपो तो लाइट आन ना होवे, तो कोई कहेगा तो सही भाजी मीटर लवाया जे। मीटर किदों लगना है? जदों डिमांड नोटिस। सबसे पहले अपनी बैटरी चेक करो, ईमान, यकीन, एतमाद, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक। जिस दिन आपने ये ज़हन बना लिया कि मैं फुला मुसलमान हूं, उस दिन कम बिगड़ जाना जाए। बस आप ये कहें कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, सादा सा मुसलमान हूं, जो वही देगी वो मैंने ले लेना है, जिससे रोके रुक जाना है। ये है असल डिमांड नोटिस। तेरे रब को अच्छा लगता है कि रब से मांग। हुकूमत ने बिजली बना रखी देने के लिए, मगर कोई एप्लीकेशन दे, डिमांड नोटिस भेजे तो मीटर लगता है। रब ने ईमान उतारा हुआ, वही भेजी हुई, कुरान उतारा हुआ, गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, कभी अल्लाह को कहा कि अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं? किसी के घर जाना हो तो उन्होंने की कही भाजी असी आना जे तैयार रहे आज। तो बंदा कहे ना अल्लाह को, अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह मैं तेरी तरफ आना चाहता हूं, तेरी तरफ रुजू करना चाहता हूं, तेरी तरफ इनाबत करना चाहता हूं। इसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप अपने कान दुरुस्त करें। कन्ना च बड भी मारी देने, तीले भी मारी देने, होर कुछ ना हो, गड्डी दी चाबी मारी दी है, चाबी ना लभे तो कम अज कम ए वाला टूल ला के इदा लगे हुई है, महल हो कड़ी दी है। इन समा, अल्लाह ने बिगाड़ का सबब बताया। ओए लोगों, खुद एहतसाबी कर लो, दुनिया में जब भी रब से टूटोगे, गैर से जुड़ोगे, रब से काटे जाओगे, पहला सबब होना जे कन्न। जेड़ा बंदा कन्ना दा कच्चा है ना, वो अपनी बुढ़ी दा नहीं रहिंदा, ते जेड़ी बुढ़ी कन्ना दी कच्ची है अपने बंदे दी नहीं रहिंदी, जेड़ी औलाद कन्ना दी कच्ची है अपने माँ प्यो दी इंसल्ट कर बैंदी है, ते जेड़े माँ बाप कन्ना दे कच्चे होण अपनी औलाद नूं नजायज़ सजावां दे बैंदे ने। कन्न दुरुस्त करो। इन समा, सहाबा के कान बड़े टाइट थे। नजर अल्लाह उम्र अन समय मकालती, अल्लाह तरो ताजा रखे, गुलाब रखे, बहार दे दे, फूल की पत्ती जैसी तरावत नजाकत दे दे उस बंदे को कि जो कान खड़े करके मेरी बात पूरी तवज्जो से सुने। असल प्रॉब्लम यह है कि हम समझते ही नहीं। पैदा होने तो बाद अल्लाह ने 1.5-2 साल बच्चे नूं कान दिते ने, बोलण दी हिम्मत नहीं दिती कि पहले सुन के कौम की कहिंदी है, लबो लहजा क्या है, अंदाज क्या है। सुन के जखीरा बना, स्टॉक कर, जब स्टॉक आ जाए, वोकैबुलरी आ जाए, मजमूए अल्फाज मिल जाए, कौम की बोली मिल जाए, तो फिर बोल। इसीलिए पैगंबर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था इकरा, पहले कौम को पढ़िए। बच्चा मां बाप के चेहरे पढ़ता है, कितनी देर लाउंदा है मां नूं पछाणन च, फिर अब्बे नूं पछाणन च, ते अब्बा उन्हूं ही कहिंदा है सुन सुन के, जिन्हों मां कहिंदी है तेरा अब्बा आया ही, तेरे अबू आए हैं, तेरे बापू आए हैं, ये तेरे पापा हैं। वो भावें 10 साल बाहर रह के आया हो, मां दे कहण ते सुन के बच्चा कहिंदा है कि मां गवाही देण दई है, ये मेरा अब्बा ही है। रहमान कह रहा है मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, सुन सुन के भी फिर रब नू रब ना मनने ते फायदा की है। जितने मसले हैं कान के, भाजी कान च गल्लां करन देना कि नहीं, कोई अहम मसला है तो करन देना।
जितनी प्रॉब्लम्स हैं माली घरेलू इंसानी फिक्री नजरी कन्ना नाल जुड़िया जा, कान का डायरेक्ट ताल्लुक है जुबान से, कान सीधे नहीं हो सकते, समातें दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक जुबानों में टेढ़ है, और जुबान में जब बिगाड़ आ जाए तो समझ लें कि आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। मिसाल ले ले, बाबा जी एक पोते नु दम कराना है सी, मशहूर वाकया सुन सुन के शायद थोड़े तक भी गल पहुँच गई होगी, कहते प्रोफेसर साहब सुनया दम करना, मैं क्या जी आ मेरे पोते नु दम तो करी, मैं क्या की है करता की है, कहिंदा जी दो बड़े मसले ने, एक फक्कड़ बड़े तोलदा है तो दूजा जिद बहुत करदा, फक्कड़ तुहाडे वाल भी कहिंदे ने लफज फक्कड़ नहीं कहिंदे की कहिंदे, नहीं नहीं गाल तो बड़ा छोटा जा लफज है, गाल तू अगे भी हुंदा कुछ तबरले ठीक हो गया, तबरले फक्कड़ जो भी कह लो। मैं क्या बाबा जी ठीक है दम हो जाएगा, इनू घर छाड़ा हो तो दम तुहानू आना है, गुस्सा कर गया एवं मशहूरी की सी प्रोफेसर, समझ आया नहीं दाड़ किसी की दुखदी है कड्डू किसी की है, फक्कड़ वह तोलदा गाल पाता है जिदा वह करता है दम मैनू आना है। मैं क्या वह तो सही छड़ के आ गया बह गए, फिर मैं पूछा मैं क्या बाबा जी ये मैं गल कन्ना दी करन दिया जे तो कुरान की आयत जे इन समा रब ने कन्ना नू पूछना है सवाल होना है एहतसाब कर तू सुनता क्या है गाने म्यूजिक गालियां झूठ गीबत चुगली धोखा फराड मिलावट झूठी कसमें यही चलता ना सोसाइटी च, जिन्नू पूछ लो उ परेशान है। मैनू अज तक बहुत घट है किसी बेगम का फोन आया हो कि मेरे बंदे की जुबान बहुत चंगी है तो मैं बड़ी राजी हाँ, यही होंगी जो घर वड़दा तो बस ना माँ छड़दा ना भैन छड़दा, पता नहीं मेरे माँ प्यो ने की किया ये तो एहसान किया पुछता कौन नहीं दे छी, ये हूँ बंदे का पुत्र ही नहीं बनता, सारियां पिछलियां तबर लै इन समा कान से पूछा जाना है, कान कब बिगड़ते हैं जब जुबान बिगड़े। मैंने कहा बाबा जी जिदे च सालन पा के भांडे च खांदे हो डोंगे चू जिदे च पाउंदे जे उहनू की कहिंदे जे, कहिंदे लै इहदा दम नाल की तालुक है। सीरत इमामुल हुदा में इस मिसाल का क्या ताल्लुक है? भाजी मिसाले ठीक होण ते हांडी टेस्ट कढ़दी है, ते जे कुछ ना होवे भावें तीन दिन की पुरानी फ्रिज च पई होवे ना उन्होंने गर्म करके उत्ते धनिया थोड़ा जिहा ना खिलार दो ना तो लोग वक्री दे जांदी। मिसाल ते मिसाले गुफ्तगू लई अल्लाह ने किताबुल्लाह च खुद रखे ना। मैं क्या बाबा जी वो बर्तन का जरा ना लाओगे? कहिंदे कौली कहिंदे ने अगे दस। मैं क्या जी कोई होर ना सुनिया होवे? कहिंदे कुड़ी कसूर व्याही है ते वो इहनू छन्नी कहिंदे ने, एक मुजफ्फरगढ़ है वह मुंगरी कहिंदे ने, एक यजमान बहावलपुर सैड से वो इनू कटोरी कहिंदे ने, तुहाडे इत्थे की कहिंदे कौली? मैं क्या बाबा जी जिदे च पानी पीते हो इनू की कहिंदे ने? कहन लगे पोते नू गिलास। मैं क्या कसूर वाले? कहिंदे गिलास। मुजफ्फरगढ़ीए? कहिंदे गिलास। मैं क्या बहावलपुरीए? कहिंदा वह भी गिलास। मैं क्या इहदा कोई दूजा ना नहीं? कहिंदा सुणदा तां तैनू दसदा ना, सुणिया जो नहीं। मैं क्या बाबा जी एक गल दस्यो, जिहड़ा बच्चा तबरले बोलता है तो फक्कड़ कढ़दा है तो गालियां कढ़दा है उन्हें ये कित्थों? तुसीं कौली दे चार ना दस्से मैनू, गिलास का दूजा सुनिया नहीं कहिंदे मैं इसलिए दसदा नहीं, जे वह सुनदा ना तो बोलदा कित्थों? कहिंदा लै बड़ी घुमा के मारी हो। मैं क्या जी उन्हें कितों सुनिया? कहिंदा जाहिर है पुत्र ते काम ते गए होंदे ने घर च, तो मैं उन्हां तो मैनू कट्टा टकरे ते उन्हूं गाल, मझ मिले ते उन्हूं गाल, गांव अच्छा लभ्या ते उन्हूं गाल, तो मैनू सुन के फिर अज असल च होया इदां। मैं तैनू अंदर की गल दसा, उन्हें सब तो पहले मैनू ही गाल कढ़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुस्तफा,
سہلن مرحبا. حضرات گرامی، کان کب بگڑتے ہیں؟ جب زبان بگڑتی ہے. جب زبانیں بگڑ جائیں اس قوم کا اللہ حافظ ہے. خود احتسابی کیجئے، احساس پیدا کیجئے. میرے محبوب کے پاس ایک صحابی آئے، بات چل پڑی. جب آپ نے بتایا نا کہ جہنم میں جانے کا ایک سبب زبان بھی ہے، تو بول اٹھے کہ محبوب ہم جو بولتے ہیں اس پہ پکڑے جائیں گے. کہا جہنم میں اوندھے منہ کر کے، اوندھے منہ ایک کے صرف سٹنا، بچے نو چک کے نا ادھر لہراندے آیا منجے تے یا بیڈ تے سٹ دینا، ایک کے چک کے تے پٹھا کر کے سٹنا اوندھے منہ، جہنم میں جن کو پھینکا جائے گا سبب زبان ہوگی. جتنی بھی سوسائٹی میں اس وقت جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، توحید کا قتل کیا تو زبان نے، شرک کو عام کیا تو زبان نے، سنتوں کے قتل کیے تو زبان نے، اور اگر بدعات و خرافات کو رواج دیا تو زبان نے. جمعہ دا دن ہے، مولوی صاحب ماشاءاللہ گرم تے ٹھنڈے پانی چ گلاب دیاں پتیاں سٹ کے وچ ارکے گلاب پا کے مختلف خوشبو پا کے تے نہا کے پکھر دا کرنے دا تیل، تنیے دا تیل، ست تیل مکس کر کے اود ورگی خوشبو پا کے تے سر تے والاں تے داڑی نو لا کے تے منہ چ پان رکھ کے تے بلیاں لال کر کے تے پورا ماشاءاللہ میک اپ کر کے جنہ بن سمر سکتے سی تے بہترین لباس کے، یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد، سر پہ پگڑی باندھ کے دستار فضیلت لا کے ترہ اونچا کر کے تے مکے مدینے تو لے اندے آیا جبا پا کے تے جبے دے اتے بھی ایک کچھ ہور پا کے جڑا امامہ نے پایا ہوندا ہے، تے ممبر تے چڑھ کے وضو کر کے ہاتھ چ قرآن پڑھ کے تے سر تے تر کے کہندا ہے اوئے میں تانوں قسم چک کے کہنا قرآن چ یارویں لکھی جے. سنن والے سن رہے ہیں، زبان تے کان دا تعلق ہے، اکھ بندی ہے تے دل فیصلہ دیندا ہے، دماغ سوچدا ہے کہ یار ایک بندہ اٹھ سال مدرسے پڑھیا ہے، اج جو نہاتا ہے، جمعہ دا دن ہے، صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، خوشبودار ہے، معطر ہے، مسجد چ با وضو ہے، دستار فضیلت ہے، ترہ جبا قبا ہے، سر تے قرآن ہے، زبان تے لفظ نے کہ میں قرآن چک کے کہنا کہ ایدے وچ یارویں قرآن چ لکھی تے او دے پہلے صفحیاں تے لکھی، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے. کان تو اتنا کچھ سن کے، آنکھ دیکھ کے، دماغ سوچ کے دل کہے گا نا کہ یار گل سچی ہے، نہیں تے انیاں گلاں نہ آتو کہ مسیتے وڑ کے وضو کر کے ممبر تے چڑھ کے قرآن ہاتھ چ پڑھ کے اتنی جرت کدہ کر گیا کہ کہن ڈیا ہے ہونا ہے. یہ پروفیسر ایویں ہی کہندا ہے، پوچھیا کتھے وے، کہندا جی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. کہندا ومما رزقناہم ینفقون آج یارویں. پاجی زبان ٹیڑی ہوئی تے کان ٹیڑے ہو گئے، جاؤ پتا کرو رکھ بولی تو لے کے ستاں برے آزما چ سفر کر لو، جننے رولے تے جننے پھڑے نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کے دن سوال ہوگا تیرے کان کیوں غلط تھے، غلط کیوں سنا؟ ممکن ہے بولے اللہ غلط اس لیے سنا کہ میری سوسائٹی میں غلط بولا جاتا تھا. تو یاد رکھیو بچے نے وڈیاں دے گریبان پھڑ لینے جے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ماں دے ٹڈوں گال سکھ کے نہیں آؤں، وڈے سکھاؤں.
अगर मेरे घर के अंदर म्यूजिक ना होवे, गाने ना होण, झूठ ना होवे, फराड ना होवे, तो मेरी माँ नूं थब्बा थब्बा गाला ना पैण दियां होण, मेरे सामने ही मेरा प्यो मैनू ना कवे तेरी बेबे नूं। जब बड़ों की जुबान टेढ़ी होती है गलती नहीं मानते, कहिंदे पुत असीं ठीक हाँ, नाले एक ना लफा ही बोलिया, कहिंदे जी माँ प्यो दियां गालां क्यों दियां नाला, क्या बात है यार, वो जी मुंडे नूं अलाशेरी दे दियां ने। अगर ये घी के नाल होते तो आमिना के लाल ये नाल आपको जरूर देके जाते, मगर आपने क्या कहा, ला तसुब बन्ना हदा। बल्कि अगली बात सुनो, फरमाया वला तकल्लम बिकलाम इन तातजिरु मिनहु गदन। ओ मेरे मानने वाले, जुबान से सोच के बोला करो, ऐसा जुमला मत निकालो कि कल को फिर माजरत करनी पड़े, माजरत करनी पड़े। असी जो मिंबर ते हुंदे आ ना, तो जोशे खिताबत च बसा औकात कई जुमले निकल जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। सब तो पहले अपनी गलती मननी चाहिए कि मुमकिन है इंसान हो जाते हैं। मैं मजीद उहदियां सफाइयां तो वकीले सफाई बन के नहीं, गलती हो जाए तो गलती मानी जाए। बड़े का बड़ापन इसी में है। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी जिंदगी च कभी जिद की थी? जे ऐसा बंदा बैठा हो भरी मजलस जिन्हें कभी जिद ना की हो, चलो इतने भी चेक कर लीए, तो फिर बच्चों से गुस्सा कहते कर दे जे कि जिद बहुत करता, मैं तेरे दो ठोकड़ियाँ, मैं तेरा पैर वाली जगह पर सिर कर देना, मैं आ कर देना, वो कर देना। मेरा दिल करता बाकी सारी जिंदगी इस मौजू पर ही खुतबे दईए कि मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूँ, मैं अपने बच्चों को सजा क्यों दूं? उनमें जितनी भी गलतियां हैं खानदानी हैं। इत्थे कारी साहब ने बच्चों के किते कन्न मरोड़, किते कन्न फड़ा, किते खुत्ती च मार। एक जगह ते मैं गया तो नहीं सफाई करने वाला बुरश थे, उहदे पिछे इन्नी लकड़ी, उहदे नाल चंगी फांट लाउण डिया, तो मैं पूछे कि कहिंदे सफाई करन डिया, मेरे दोस्त बड़े सीधे नहीं होंगे तो छोटू ने टेढ़े होना ही है। जुबानें बिगड़ जाएं तो समातें खुद ब खुद बिगड़ती हैं। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले जुबानों के बुत तोड़े, गलत से रोका, एतमाद के ताले लगवाए। पूछा मैंने बाबा जी से, इन्हें जिद कित्थों सीखी है? कहिंदा भी मेरे ते पै जानी है, मैनू सीधा ही कह दे जिमें तो वो मेरे ते पा छड़ी है, भी मेरे ते पै जानी। मैं क्या नहीं, फिर भी मैं क्या कदी गुस्सा किया जे? कहिंदा वो तो मेरे मत्थे ते लिखे है। मैं क्या सब तो ज़्यादा गुस्सा, कहिंदे जी जदों भुख लगी होवे तो बुढ़ी खाना लेट दवे। मैं क्या जी फिर की करदे हो? कहिंदे फिर मैं खांदा ही नहीं, फिर मैं गुस्सा करके बह जाना। मैं क्या उन्हें कभी लिया के अगे जबरदस्ती रख दिता होवे? कहिंदा चुक के डोंगा उहदे मुँह ते मारी दा तो रोटियां हो जांदियां। फिर कहिंदा जी सारी रात पैर फड़ के मनाउंदी, आपां नहीं मन्नीदा। फिर की करदे हो? कहिंदे जी सवेरे फिर ढिड तो मंगदा ही है, फिर धारां कढ़न लग्गियां जिहड़ियां ने बाल्टी च घट ते मुँह च बहुतियां, ताकि गुस्सा ज्यादा देर रहे। वो जब बुजुर्गों की हालत ये है, वडेरों का रवैया ये है, उनकी जुबान में लच्चरपन है, उनकी गुफ्तगू टेढ़ी है, जिस कौम के उलमा की जुबान गलत झूठ में मबनी, जो रब पे झूठ बांधते हुए ना डरे कि कुरान में लिखा है 11वीं, और जिनकी जुबान झूठ बोलते हुए पैगंबर पे झूठ बांध के ना डरे, ज़ईफ और मौजूर रिवायतें बयान करे, उन्होंने आवाम ने तुहाडा की ख्याल है कि हक ते सच सुन बोलना, जो सुनना वही बोलना? नहीं मानने को तैयार मौलवी, ज़ईफ रिवायतों को, मौजू रिवायतों को, हालांकि किताबों में लिखा है अल मौजू आतुल कबीर। ये दुनिया के बड़े बड़े झूठ हैं जो मेरे नबी पे बांधे गए, और आका ने कहा है जिसने मेरे पे झूठ बांधा, मेरी तरफ बात मंसूब की और मैंने नहीं कही, मत समझे कि रख बौली दे किसी सोफे ते बैठा है। जहन्नम दी अग दे अंगारियां दी कुर्सी ते रब ना भावे ते रब ना कहना। मगर एक ही कहिंदा है, नहा धो के वजू करके खुशबूव आंडियां मिंबर ते चढ़ के कुरान च पढ़ के कहिंदा, ओए मैं सिर ते कुरान रख के कसम चुक के कहना, अल्लाह की कसम अगर हजूर ना होंदे रब ने कायनात ही नहीं सी बनाउणी। लौ लाका लमा खलक तुल खलक,
ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਵਾਲਾ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿਕਾਬੰਦ ਰਿਵਾਇਤ ਜੇ ਅਲ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸ਼ਰੀਫ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਦ ਨਾ ਗਟਰ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਰੁਤਬੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ, ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਟਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਸ ਗਟਰ ਸ਼ਰੀਫ। ਓਏ ਅਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਗਟਰ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਝੂਠ ਕੇ ਸਾਥ ਲਫਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਵੋ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ। ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਕਵਾਸ ਵੀ ਕਭੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੁਆ। ਹਾਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮਾਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ। ਇਨ ਸਮਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਮਾ ਵਲ ਬਸਰਾ ਆਂਖ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਝੇ 32 ਕਰੋੜ ਕੈਮਰੇ ਫਰੀ ਮੈਂ ਦੀਏ ਹੈ। ਆ 3-4 ਕੈਮਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਣੀ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਇਲ ਸੜ ਜਾਣੀ ਜੇ ਉੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ 1.25 ਲੱਖ ਬੁੱਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਯਾਰ ਤੋਲਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਬਣ ਸੀ। ਆਂਖ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਨਜ਼ਰ ਸੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸੇ ਹੈ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਰੰਗੂ ਸੇ ਹੈ, ਸਿਬਗਤ ਅੱਲਾ ਯਾ ਰੱਬ ਕਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਕਾ ਯਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਦੋ ਹੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਯਾ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾ ਰੰਗ ਯਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਾ ਰੰਗ, ਤੇਰੀ ਆਂਖ ਕੋ ਕੌਨ ਸਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਆਂਖ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਹੀ ਟੇੜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਦਣ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ। ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਹਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਅੱਜ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਮਗਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂ ਮਹਬੂਬ ਕੀ ਅਦਾਓਂ ਪੇ, ਜੈਸੇ ਇਬਨੇ ਉਮੇ ਮਖਤੂਮ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿਆ ਥਾ ਨਾ, ਹਦੀਸ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਾ ਢੰਗ ਬਤਾਤਾ ਹੈ। ਚੋਟ ਪੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਦਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਮਹਬੂਬ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਚੱਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਤੇ ਆਈ। ਕਿਆ ਜੀ, ਕਿਆ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਪੱਕਾ? ਹਾਂ, ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਚੀਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਹਦੀਸ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਉੱਠਾ ਥਾ, ਕੈਫ ਜ਼ਾਲਿਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਸੀ ਔਰ ਮਰਦ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਫਜ਼ਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਦੀਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਝੁੱਕ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਫੱਲਜ ਸਦਰਾ, ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਕਰਦਾ, ਵਹਸਿਨ ਫਰਜਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਮਗਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਆਬਰੂ ਔਰ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਦੇ। ਹਦੀਸ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋ ਮਦੀਨਾ ਮੇਂ ਕਭੀ ਸਰ ਉਠਾ ਕੇ ਯਾ ਨਜ਼ਰੇ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ
कन्न दुरुस्त करने ने ते जुबान पहले सीधी करनी पऊ, अखां दी इसलाह करनी है ते पहले नज़ारे ठीक करने पैने ने, साढ़े नज़ारे ठीक नहीं, घरों के मनाजिर ठीक नहीं, बीबी का चेहरा ठीक नहीं, ब्यूटी पार्लर की तैयारियां ठीक नहीं, सर के बाल हेयर स्टाइल ठीक नहीं, माथे के ऊपर जो है वो झूमर ठीक नहीं, कानों की बालियां ठीक नहीं, और लोगों और तो और आंख में हया बाकी नहीं है, मुस्कारे लगे हुए और भवें बनी हुई, हालांकि मना किया था मेरे महबूब ने, हर वो काम किया हुआ, मर्दों के चेहरे मूंडे हुए और तूने मर्दों की मुशाबत की हुई, लोगों जो देखने की चीज नहीं थी, दिखाने की नहीं थी। वेल्डिंग करते हैं कभी अपने पुत्र नु कहा जे पुत्र इधर जरा, बच्चे का तो दिल करता वेखण नु भी ये लाइट एडी तेज क्यों निकलन रही है, तो मुंह फड़ फड़ के साइड ते कर दे, अखां के हाथ रख दे, जे वेल्डिंग करने वाले ने अपनी आंखों के आगे इतना मोटा काला शीशा क्यों रखा होता है कि जाविया निगाह खराब ना हो जाए, सूरज की आंखों में आंखें डाल के क्यों नहीं देखते, हालांकि हुस्न जमाल में अरब चांद से भी ज्यादा सूरज की मिसाल देते हैं, अख खराब हो जाती है, ते हर वो मंजर जिदे नल अख खराब होवे रब ने इजाजत नहीं दी, क्योंकि अख नु पुछया जाना है, ते जिदो मैं अख नु पुछया ते कहन लगा मैं की करा, मैं की करा, मैं अपनी पूरी जिंदगी च अपनी मां का प्राइवेट कपड़ा तो दूर की गल है, मैं उन्होंने गर्दन नंगी नहीं वेखी, हालांकि पुत्र सांसे इतफाक नहीं होया, भावें जिन्हें मर्जी बीमार रहे ने तो सेहतमंद से, अपना कपड़ा तो पल्लू ठीक रखे है, तो हूँ माशाला मावां के कपड़े प्राइवेट चीज़ा जिहड़ियां शौहर ते उहदे दरम्यान राज सी, छोटे छोटे जम दे बच्चियां नूं माशाला इश्तिहार टीवी च नज़र आउण डिया, सोशल मीडिया ते दिसण डिया, ते फिर उहने जदों मां नूं अगर पुछ ही लैणा कि मामा ये आपकी निकर है, ते फिर बच्चा ते बदतमीज़ ना ना आखो, उहनूं जिन्हें विखाया है, जिहड़ा सीन दिता है, जिहड़े हालात दिते ने, जिहड़े नज़ारे दिते ने, जिहड़े इश्तिहार दिते ने, जो कौम ने पेश कीता है, मां का सीना नंगा है, मां का पेट नंगा है, कमरिया नंगी है, टांगे नंगी है, इन्हें कल नू कोई हरकत कर ली तो फिर इल्जाम बच्चे ते आना है, अपना कसूर नहीं किसी ने मानना, आओ अख का एक मंजर वेखी है, इन्ना समा वल बसरा पूछा जाना है। मैं एक जगह ते गया ते मौलाना मेरे नाल अपना दुख रोन डे सी कि मसीत वाले बड़ी ज्यादती करते हैं, मेरे को इन्ने भी पैसे नहीं कि मैं मेहमान नू पानी सादा पानी पिला देव, मैं क्या जी सादा पानी तो मिल जाता, कहते नहीं थलवा पानी कौड़ा है, सानू मुल लेना पैंदा, ते अल्लाह की कसम तुसी आए जे, लेकिन मेरे को इन्नी हैसीयत नहीं कि मैं तुहानू पानी पिया सकां। खैर बैठे से इस दौरान च एक बीबी आई, कहन लगी मौलवी ऐलान करी हाजी मरू मलू 10 रुपए लैके आई, पहले ऐलान करके आ, उन्हें कहा जी मेहमान बैठे ने तुसी दे, मैं कर दांगा, नहीं नहीं आ फड़ना। अगले दिन जुम्मा सी, जुमे रात का दिन सी, मौलवी साहब ने मैनू छड़ना पिया, मसीते जाके ऐलान किया कि अहलिया तशरीफ ले आईया ने फुला मरहूम दियाँ 10 रुपए उन्होंने मसीत की मदद की है, तो ऐलान जो हो गया तो कहती रसीद कट दे, कहिंदा बीबी दे देना रसीद, नहीं नहीं पहले रसीद दे, कहिंदा कि बेतबारी, कहिंदे मौलवी का पता नहीं तू एवें बोतल पी जा, कहिंदा बेबे कि बोतल है जिहड़ी 10 दी आउंदी हुण, मस्जिद में देना है, रब को देना है तो 10 रुपए की भी रसीद, उसी गांव में शादी या मंगनी है। कहने लगे प्रोफेसर निकाह पढ़ाना है, बड़े रिश्तेदारियों के तरले ताल्लुक डाल के बुलवाया गया, ते मेहंदी दा हाल की सी ओ जरा सुनया जे, 5 पीढ़ियां बैठियां ने, जिहड़े सब तो वड्डे बाबा जी ने उन्हां दी पूरे मूंह दे विच कल्ला ही दंद है, जिवें हवेली च किला नहीं ठुका हुंदा वखरा ही, ते बोलदे ने ते मूंह च थुक, अगू उन्हां दे पुत्तर दे वाल भी सफेद, ते उन्हां दी अगले बच्चियां दे वाल भी सफेद, फिर अगली जनरेशन भी भाणजे भी भतीजे भी, और माशाला दोते दोतियां पोते पोतियां बीबियां मर्द औरतें
ते पूरे इलाके दियां महंगियां तरीन कंजरियां ते खुसरे सदे ने, ते रात नूं माशाल्लाह पीतियां ने, अख दी गल करन दिया जे। ते सब तो पहले बाबा जी नूं जोश आया जिन्हां दी हवेली च कल्ला ही किला सी, ते इन्हां दियां पंज पुश्तां पिछे बैठियां ने, ते उठ के ना जेब चों इदां दत्थी कढ़ी, पता नहीं कित्थों सांभी इस मंगवाई सी नवें नवें नोट, ते उहदे लागे हो के हुण मैं अदा नहीं तुहानूं विखा सकदा करके ते सारे नोट खिलारते, 10 रुपए मसीते देने ने ते ऐलान भी कर ते रसीद भी दे, ते जे कंजरी ते सुटने ने ते फिर 5-5 हज़ार दे नोट की भी रसीद कदी लोड़ नहीं पई। जिदू ये मंजर बच्चिया ने वेखना है, औलादा ने वेखना है, छोटे छोटे नन्ने मुन्ने फुल्ला ने वेखना है, ते कल नू इन्हां दे व्याहां विच तेरा की ख्याल है कि सूरह अर-रहमान पढ़ी जाएगी, बिनी अमीन आबद साहब का खिताब होएगा, मौलाना यूसुफ पसरूरी साहब नसीहत करनगे, जिथे महीने बाद हाफजे कुरान नू 15 हज़ार देंदिया तकलीफ होवे, ते एक रात च एक बाबा कट्ठा ही 2 लख दियां दथियां उत्ते सुट देवे, तो कबर च लत्तां होण ते जिदू कौम ने इनू वेखना है, तो अगे बच्चियां ने उदां दा ही होना है। इन नसम अवल बसर, तेरी आंख देखती क्या है, देखना भी जुर्म, जो गलत दिखा रहा है वो भी जुर्म, बहन भी नंगी, बीवी भी नंगी, बहू भी नंगी, पूरी कौम नंगी, हर बंदा जो है वो हुसन का दिल दाता, चारों तरफ जो है वो रुसवाई जग हंसाई। बहू पूछा जाना ही, विखाण आलियां नूं भी ते वेखण आलियां नूं भी, आंख का हिसाब होना है, एहतिसाब खुद कर ले, अखां मीटियां जाणियां ने, एक दिन पूछा जाना है, कियामत दे दिन कबर चों उठदिआं पहले पल सब तो पहले अखां दा नूर अल्लाह ने खोना है। वमन आरद अन ज़िक्री फ इन लहू मईशतन ज़नका व नहशरहु यौमल कियामत आना। आखिरी चीज, जिदू कन्न टेढ़े होण असल सबब जुबान टेढ़ी होंदी है, तो जिदू जाविया निगाह बदल जाए, ऐ शीशा जे ये तुहाडी अख ते ला दईए ना, ते तुहानूं साफ मंजर भी नहीं दिसना। अगर एक नंबर बदल जाए शीशे का नजर वाला, मंजर धुंधला हो जाता है। ओए लोगो, तुम्हारी नजर को ठीक करने के लिए आसमान से जो वही उतारी गई थी, जब तुमने वो नंबर ही बदल लिया है तो तुम्हें दुनिया सही दिखे कैसे? मंजर धुंधले हो गए, हक बातिल नजर आने लगा, बातिल सच दिखने लगा, झूठ सच अलापने लगा, सच झूठा लगने लगा, शरीफ बदमाश लगने लगा, बदमाश शरीफ दिखने लगा, दीन जो है वो दुनियादारी नजर, दुनियादारी में दीन दिखने लगा, शिरक को तौहीद बना दिया गया और तौहीद को शिरक करार दे दिया गया, बिदअतों को मीठी सुन्नतें बना दिया गया और सुन्नतों को बिदात करार दे दिया गया, हजरात जो सही था उसे गलत और गलत को सही कर दिया गया, तेरा जाविया निगाह बदल गया है, पता कर। वल फुआद, दिमाग जो भी सोचता है वो आंख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ, जुबान का बोला हुआ होता है। दिल में चाहते हैं, तेरी चाहते टेढ़ी हो गई, प्यास लगी हो, पानी मौजूद हो और पानी की जगह फिर जाकर के तू पीप पिए, फूल मौजूद हो, मक्खी फिर जाके गंदगी के ढेर पे बैठे, उसे शहद की मक्खी नहीं गंदी मक्खी कहते हैं जनाब, रूड़ी ते बवे, पूरे जिसम च साफ साफ जगह भी होन तो फिर फोड़े ते बवे, हक मौजूद हो बातिल की तरफ जाए, तौहीद हो शिरक की तरफ जाए, सुन्नत हो बिदात की तरफ जाए, मां बाप को छोड़ के गैरों की तरफ जाए, हक हलाल बीवी को छोड़ के इधर उधर की औरतों के पीछे भागे और लोगों औलादों को छोड़ के गैरों को पालता फिरे, जिसका हक है उसे न दे, समझ लीजिए कि दिल की धड़कने थोड़ी सी भी ईसीजी टेढ़ी नहीं हुई तो डॉक्टरों को फिक्र, अला इन्ना फिल जसद मुज़गा, और तुम्हारे जिस्म में एक लोथड़ा है, सीधा हो तो फिजिकली भी ठीक, ईमानी तौर पे भी ठीक, टेढ़ा हो जाए तो जिस्म भी गया, ईमान भी गया, चाहते बिगड़ गई, मिजाज बिगड़ गए, हर बंदे के दिल, मैंने जी अपने दिल की मननी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब्बा व्याह मेरा है, तेरा है, तेरा है पुत, तो फिर तेनू की, मैं जिथे मर्जी करा,
बहन के साथ बुराई करके बड़ा मुतमिन होकर कहता है तुहानू की हो कौन, जो तुसी मुफ्ती हो मौलवी हो साइड ते हो जाओ, भैन मेरी है ना। गधे को काट रहा है, गोश्त बना रहा है। एंकर परसन ने आण के पूछे है कि है गोश्त बनाउण डया, वो हराम है, किन्ने क्या हराम है, रेहड़ी ला के दे तू कमाल हो हलाल है, तो जे मैं इदा करता लोग मंगते ने मैं देना, होटलों च विकद टिक्कियां बन दया ने, कोरमे बनते ने, गोश्त बनता, मैं देन दिया। यानी कि दिल के अंदर गलती के एतराफ का पहलू ही नहीं रहा, खाना ही नहीं है, जुर्म करके बड़ा मुतमैन है। आइए अल्लाह के लिए अपने दिलों का किबला दुरुस्त करें। दिल रब ने बनाया था रब के लिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, हमारी मोहब्बतों के जाविये बदल गए। फिर बनाया था महबूब की मोहब्बत के लिए। तेरे माँ बाप, तेरी आल औलाद, पूरी इंसानियत से बढ़ के प्यार मोहम्मद रसूल सल्लम से होगा तो बात बनेगी। लेकिन कितने जे प्यार, कोई मजनू ना लग गया, कोई लैला ना लग गया, कोई हीर सुना डिया, कोई रांझे नाल वंजली बजाई खड़ा है, कोई सोना सोनी बनया तो कोई मई वाल बनया, कोई किते कोई किते। जो इमामे हुदा है, जो हबीबे किबरिया है, जो मुहम्मद रसूल सल्लम है, जिनसे बढ़ के हसीन कोई नहीं, उन्होंने बारी सिर्फ अंगूठे चुम के अखा ते ला के गल मुक गई। अरे मैं दो चार हरफ वफा के लेके क्या करूं, देनी है तो वफा की मुकम्मल किताब दे, आओ अपना जायजा लें, एहतसाब करें। इतू उठ जाया जे, घर टुर जाया जे, मम्मी टुर जाना, एक बारी चेक जरूर करया जे भी कन्ना च दिन भर मेरे घर च आवाजा केड़ियां पैंदियां ने, ते बोलदा कौन है। बोलण वाला भी अपने लफज दुरुस्त कर लै, बिगाड़ नू सही कर लै, इंशाल्लाह काम ठीक हो जाएगा। सुनन वाला फैसला कर ले कि मैं बुरा नहीं सुनना, जो उतो मैं उठ जाना है। मिसाल के तौर पे मेरे साथ मेरे दोस्त की कोई बदखुई करे ना, मैं नहीं सुनता, मैं कहना वीरे गल सुन, तेरा तो ओदा मसला है, ओदे नाल डायरेक्ट जाके गल कर, मेरे नाल गल ना करी। मैं सुनता नहीं, इसलिए लोग मैनू सुनाउंदे भी नहीं सुनाउंदे। दिल दे विच ओदे दी कदी चाहत नहीं पाली। अल्लाह दा शुक्र है इस दिल ने कदी मंगया भी नहीं ते लोड़ा भी नहीं। जुबान तो कोशिश कीती है कि मिंबर ते बैठ के ज़ईफ रिवायत नबी दी तरफ झूठ मनसूब नहीं करना ते कौम नू धोखा नहीं देना। अल्लाह पाक दा शुक्र है, जिंदगी च भी ऐलान है ते मरण तो बाद भी ऐलान है। अगर भूले से भी कहीं ज़ईफ रिवायत मुझसे बयान हुई हो, मैं जानबूझ के नहीं जे कीती, मैं जिंदगी च भी रुजू करना कि तुहानू लभ जाए कोई टुकड़ा कोई जुमला, तो दूजी गल ही कोई नहीं, मेरी कबर ते काना गड़ के ना ते उन्हों चीर के विच इन्ना को रुका लिखाया जे इन्ना टुकड़ा तू ज़ईफ बयान किया सी या मौजू सी या मन घट सी, भाजी थले कबरां दे भी साडा रुजूज है। हम अड़ने वाले लोग नहीं है, हमारे पैगंबर ने सिखाया है, इस मिंबर पर बैठ के कभी रब का शुक्र है गाल नहीं कढ़ी। तो गालियां सुनिया जरूर ने, जवाब गाल च नहीं दिता, जे कोई कितने जुमला लभ जाए तो भाजी इंसान आ, कोशिश की है ना निकले, निकल जाए तो मैं मुआफ़ी मांगना अल्लाह तू भी तो बंदिया तू भी। मेरे वीर थोड़ी जी मुश्किल, सारी दुनिया नू तो बदल नहीं सकते, 8 अरब लोग ने, कम अज़ कम अपने 5 फुट के वजूद नू तो बदलिया जा सकता है। मैं वादे नहीं लैंदा कि दाढ़ी रखो, मैं ये वादे नहीं लैंदा आ करो, मैं ये वादा भी नहीं लैंदा। इन्ना जरूर कहना कि कन्ना नू चेक करो, मैल होवे तो साफ करीदा, जे इहदे अंदर कोई माल गलत जान डिया तो उन्हों भी साफ करो। जुबान दे उत्ते थुक आ जाए, कोई चीज़ चंबड़ जाए, हकीम सब तो पहले जुबान वेंदे ने कि नहीं, कहिंदे तेरा मैदा खराब है। भाजी जुबान उदों ही खराब होंदी है जदों समातां खराब होण, ते समातां उदों खराब होंदियां जदों जुबानां, इह बिल्कुल एवें सर्कल जे, ते दिल दियां चाहतां उदों बिगड़दियां ने जदों हवासे खमसा टेड़े हो जाण। ते अल्लाह लई इस तरफ लौटीए, ते अगली दफ़ा जे किते मुलाकात होवे ते मिलीए, ते मैं पुछां कि कोई एक बंदा भरी मजलस चों जिन्हें कदी गाल ना कढ़ी होवे ते कोई ते हथ चुके, एक बंदा जिन्हें कदी गुस्सा ना कीता होवे, ते अज तुसी किसे ने मैं नहीं हथ चुक सके। ते अगली दफा चेंज आ जाए तो यही कामयाबी है, अल्लाह तुहानू ते मैनू
अपनी बारगाह च कबूल कर लै, मेहनत काविशा अहबाबो अरबाब दियाँ अल्लाह भी कबूल करे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। साडे बहुत ही महबूब और मुअज्जज खतीब, खतीब ज़िशान, खतीब नुक्तादा प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला बयान फरमा रहे सन।